पुलिस थाना कोट कहलूर में एक सरकारी सोसाइटी में मिलने वाले सस्ते राशन को पड़ोसी राज्य पंजाब में बेचने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सरकार द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से जनता को कम मूल्य पर जो राशन की सप्लाई प्रदान की जाती है, उस सप्लाई की करीब 90 बोरी चावल सोसाइटी के सचिव द्वारा बेचने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने एन मौके पर ये माल पकड़ लिया। इस सरकारी सोसाइटी स्टोर से सप्लाई पहुंचाने के लिए ये चावल एक टेम्पो में डालकर भेजा गया था। ये 90 बोरी चावल लोड करके टेम्पो चालक बताया जा रहा है कि सोसाइटी सचिव के कहने पर एक व्यक्ति के घर में उतारी जा रही थी। सोसाइटी सचिव द्वारा इस सरकारी राशन को अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए बेचा जा रहा था। इस टेम्पो में 40 बोरी सीलशुदा थी, तो वहीं 50 बोरियों की सील को खोल दिया गया था ताकि इन्हें तुरंत दूसरी बोरियों में पलटी किया जा सके। पुलिस ने जब तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो ये टेम्पो एक व्यक्ति के घर के बाहर खड़ा पाया गया। SHO कोट कहलूर गौरव भारद्वाज ने बताया कि पुलिस ने इस संदर्भ में सोसाइटी के सचिव तथा जिसके घर में इस खेप को उतारा जा रहा था, दोनों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया है। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे टोबा में जो सोसाइटी है, जहां से लोगों के लिए जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने वाला राशन वितरित होता है, वहां से एक गाड़ी टेम्पो जो है वो चावल का, उसको जो है वो पंजाब में खुर्द करने के लिए कुछ व्यक्ति जो है वो निकले थे। हमने गुप्त सूचना के आधार पर जो है उस टेम्पो से 40 बोरियां जो है वो सील शुदा, जिसपे की FCI की मोहर लगी है, और बाकी जो 50 बोरियां हैं उनको खोल दिया गया था, वो चावल हमने रिकवर कर लिया है। और इसमें इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये चावल को एकदम से बोरियों से निकाल कर जो है वो पंजाब साथ ही पड़ोसी राज्य में बेच देते थे अच्छे कीमतों पे। तो इसमें हमने जो सोसाइटी के सचिव, जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं उन्हें, और जिसके घर में ये सारा व्यापार चल रहा था, उन दोनों बंदों को अरेस्ट करके आज आगामी जो कार्रवाई है उसको कोर्ट के लिए उनको भेज दिया है ताकि उनका पुलिस रिमांड लिया जा सके। हम देख रहे हैं अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो अन्वेषण के बाद उसको जब जाहिर किया जाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नैना देवी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।